छोटी कनौजिया, आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सपा नेता पवन गुर्जर केएमसी अस्पताल के कर्मचारी देवेंद्र के घर पहुंचे। देवेंद्र द्वारा केएमसी अस्पताल के खिलाफ अस्पताल की मरीजों के साथ की जा रही लापरवाही को लेकर एक वीडियो वायरल किया गया था। सपा नेता पवन गुर्जर का कहना है कि कई लोग केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर चुके हैं। कई लोगों ने अस्पताल के खिलाफ तहरीर भी दी है, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सपा नेता ने अस्पताल के खिलाफ शासन प्रशासन से कार्यवाही की मांग करते हुए पीड़ित लोगों की एफआईआर दर्ज कराने को लेकर बात की और साथ ही कार्यवाही ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अस्पताल के कर्मचारी देवेंद्र ने बताया कि 50 बेड की व्यवस्था वाले अस्पताल में लगभग 150 से 200 मरीजों को भर्ती किया गया। अस्पताल को 50 बेड के हिसाब से ऑक्सीजन मिलती थी जो 150 से 200 बेड के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसके कारण मरीजों को ऑक्सीजन कम मात्रा में दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत से लोग तड़प तड़प कर मर चुके हैं। लोगों को मारना बंद करो। क्या मामला है जो आप हंगामा कर रहे हैं आज? क्या मामला है और क्या आपकी मांग है? मैं पवन गुर्जर, जैसा कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, एक देवेंद्र नामक युवक है जो हमारे साथ यहीं खड़े हैं, वो केएमसी अस्पताल में लगभग 11 वर्षों से कार्यरत हैं और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई को देख रहे थे। तो उनकी जानकारी से हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि वहाँ लगभग 300 सिलेंडर जो प्रशासन की तरफ से मिल रहे थे प्रत्येक दिन, जो लगभग 50 मरीजों के लिए उनकी आपूर्ति हो रही थी, और वहाँ पेशेंट लगभग इन लोगों ने 150 से 200 पेशेंट ये लोग एडमिट करते थे, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी, इसको कहा गया कि उसको कम सप्लाई चलने के कारण प्रत्येक दिन वहाँ मृत्यु दर बढ़ती चली गई, और जो एजिड लोग थे उनको मारने का काम अस्पताल ने किया है। ये आवाज़ हमने उठाई है और लगभग कई लोग, मतलब 8-10 लोगों से मेरा संपर्क हो चुका है, वो इनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। बहुत पीड़ित लोग हैं जो घटना वहाँ हुई है, जो भी लोग एक्सपायर हुए हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, वो सब संपर्क में हैं। 15-20 लोग इस समय संपर्क में हैं जो FIR दर्ज इनके खिलाफ करा रहे हैं, और लगभग मेरे हिसाब से जो इन्होंने आंकड़ा बताया, 50 से 100 लोग इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, जो लोग इस परेशानी के कारण मौत के घाट उतर गए। ये क्या नाम है जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, उसका क्या मतलब है और क्या मामला था पूरा? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं 10-11 साल से केम्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का काम देखता हूँ, मैं वहाँ का हेड इंचार्ज हूँ। और ये मेरी वीडियो इसलिए क्योंकि मैंने ना जो आवाज़ उठाई इस वजह से, क्योंकि हमें 300 सिलेंडर मिलते थे DM साहब की तरफ से, और जो हमारे 50 पेशेंट की OTD थी वहाँ पर ऑक्सीजन कोविड पेशेंट लेने की, क्योंकि जो हमारे कोविड वार्ड बना हुआ है वहाँ पर कुल 30 बेड हैं, और ये 30 बेड के कोविड है, और आगे पता नहीं कितने पेशेंट लेते थे उसमें, करीब करीब उन्होंने 200 पेशेंट एडमिट किए, 150 से 200 पेशेंट एडमिट किए। हमें 300 सिलेंडर लगातार पर डे मिलते रहे, और उस 300 सिलेंडर को मैं जो 50 पेशेंट तक ही चला सकता था, मगर इन्होंने मेरे से 24 घंटे में उन 200 पेशेंट को 300 सिलेंडर चलवाए। जो पेशेंट का प्रेशर होता था 4.1 होना चाहिए था, उन्होंने मेरे से 1.5 पे करा के ज़बरदस्ती, मतलब मेरे को मारने की पीटने की धमकी देते हुए इनसे मेरे से चलाए, मेरे से एक महीने तक ये ऐसे ही काम कराते रहे। जब मैंने उनसे कह दिया कि मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, 8 दिन से मैं प्रेशर पूरा दे रहा था पेशेंटों को, 36 पेशेंट थे, मैंने डाटा वहाँ पे 36 पेशेंट थे उस परसों जो 28 तारीख में थे, तो जब मैंने वहाँ पे डाटा निकाला तो 220 सिलेंडर वहाँ पे लग रहे थे। तो इन्होंने मेरे से कहा कि अगर तुम 220 सिलेंडर लगाओगे तो DM साहब को शक हो जाएगा कि अब पहले 300 सिलेंडर लगते थे 193 पेशेंट पे, अब लग रहे हैं 220 सिलेंडर 36 पेशेंट पे, तो मैं ऐसा जवाब नहीं दे पाऊँगा, तू इस पेशेंट का प्रेशर फिर से कम कर। मैंने मना कर दिया, उन्होंने मना करते मेरे पे हाथापाई चालू कर दी, मारा पीटा, बिंदु है और ये है डॉक्टर साहब, उन्होंने मेरा मारा पीटा, और मार पीटने के बाद मैं जैसे तैसे वहाँ धक्का दे के जान बचा के अपनी वहाँ से भागा। अब तक तुम्हारे सामने कितने लोगों की इस तरीके से पेशेंटों की मौत हो चुकी होगी? करीब करीब मेरे हिसाब से जो मैंने देखा कम से कम 250-300 मौत तो मेरे सामने ही हो चुकी थी, और मैं बाहर प्लांट पे दूसरी साइड में रहता था, मेरे को नहीं पता चलता था। जब मैं गैलरी में सुबह देखता था गैलरी में 10-12 डेली मौतें मुझे गैलरी में खड़ी मिलती थी।